सो हेलो बिनोद्स एंड ब्यूटीफुल बिनोद्स, वेयर आर यू, हाउ आर यू? ओके बाय, थैंक यू, नो रिटर्न बैक, इट्स ओके। तो हम आ गए हैं एक और वीडियो लेकर, नई वीडियो लेकर, वन मोर वीडियो लेकर और अनदर वीडियो लेकर अपने बिनोद भाई के साथ। बिनोद, तो भाई ये वीडियो, मतलब ये गेम प्ले थोड़ा पुराना है, एडिट की हुई थी, तो मैंने आज सोचा डाल देते हैं, नया गेम प्ले कल डाल देंगे। तो गाइस, यहाँ पर हमने तीन विनोद को मार दिया है, क्योंकि भाई तीन ही विनोद आए थे, सो मार देते हैं, ख़त्म कर देते हैं उनको। तो यार सॉरी, वीडियो थोड़ी डिले हो गई, थोड़ा टाइम लग गया वीडियो डालने में, सॉरी। सो रेगुलर डालेंगे आपसे वीडियो। हाँ भाई, रेगुलर डालेंगे, वी विल ट्राई आवर बेस्ट। तो यार बताओ कैसा चल रहा है हाल चाल? सब बढ़िया ना? हाँ भाई, विनोद, एक और विनोद आ गया, ये एक और विनोद आ गया। एक इतने विनोद मारे मैंने इस गेम में, इतने विनोद मारे जिसकी कोई हद नहीं। एनी वेज, क्या फर्क पड़ता है? सो जाने दीजिए। तो भाई तुम्हारा भाई यहाँ पर से निकल पड़ा और उस स्कोर हाउस में एक विनोद था। तो भाई तुम्हारे भाई ने एक विनोद को वहाँ पर नॉकआउट कर दिया है। तो सब पुश पास कर देते हैं, क्या पता दो बंदे होंगे, चार बंदे होंगे, आठ बंदे होंगे, हमको पता नहीं। बस नॉकआउट होते पुश पास कर दो, भम भूम फेंक दो, फटेगा तो ठीक है, नहीं फटेगा तो सामने वाले की तो फटी जाएगी कम से कम। तो वो नॉकआउट वाला विनोद कहाँ पर है पता नहीं, ढूंढते भाई, विनोद मिलेगा तो मार देंगे। तो भाई यहाँ से निकलते ही यहाँ पर भी विनोद थे बहुत सारे। भाई तुम्हारे भाई ने एक विनोद को तो यहाँ पर लपेट दिया, लपेट दिया और मैंने उठा ली MK14 यहाँ से उठा ली, क्योंकि भाई बहुत प्यारी गन है ये, बहुत मस्त चलती है ऐसे। मतलब सामने वाले बोलते हैं, ओ भाई ये क्या हो गया भाई, एक ही गोली लगी मेरे, इतने में मर गया ऐसे कैसे भाई, ये करे, ये बोलते हैं सब जब आप ये गन उठा ले। तो मेरे को यहाँ पर विनोद सूट मिल गया एक। यहाँ पर एक और विनोद खत्म, अब उनका लास्ट विनोद बाकी था, उनको भी जल्द से जल्द लपेट देते हैं भाई। तो भाई तुम्हारा भाई भूगी उठाकर इधर से जा रहा था, तो एक गाड़ी के अंदर चार विनोद मेरे पीछे लग गए। तो मैंने सोचा कि चलो उनको इस घर के पास ले आते हैं, फिर यहाँ पे लाके लपेटेंगे उनको, और ये भाई साहब मेरे पीछे पीछे आ भी गए सच में। कोई बात नहीं, इनको तो विनोद गिरी निकाल देते हैं।
तो भाई तुम्हारे भाई ने यहाँ पर उनके दो विनोद तो लपेट दिए थे और दो विनोद उनके इस ट्रिपल स्टोरी में बाकी थे। सोचा चलो बम बम फेंक देते हैं, एक आध तो मिल ही जाएगा नोक। और वैसा ही हुआ। अब एक बंदा ही बाकी था, वो मेरे पीछे पीछे आने की गलती कर देगा भाई साहब और वो अपनी पेटी बना के बैठ जाएगा। तो एनी भैंस क्या फर्क पड़ता है, अपन को तो पेटी बनानी है, हम क्या आप उनको सहानुभूति दे रहे हैं। तो यहाँ पर चार विनोद खत्म हो गए। तो भाई निकल पड़ते हैं यहाँ से, अपनी भूगी उठाकर इधर से जा रहा था तुम्हारा भाई। इतने में यहाँ पर ट्रिपल स्टोरी में एक विनोद मिला मुझे ऊपर, तो चलो पहल देते हैं उसको भी थोड़ा सा। एंड दैट इज हाउ ये बंदे भी खत्म हो गए। सो भाई निकल पड़ते हैं भूगी उठाकर। मुझे इस घर में गिलित से दूर से मतलब बंदे दिखे थे, तो भाई इसलिए मैं इस घर के अंदर डायरेक्ट ठोक दिया। और यहाँ पर बंदे रियल में भी थे, तो चलो पहलते हैं। यहाँ का भी मामला हुआ ख़त्म। एक गाड़ी पास से गुजर रही थी, मुझे लगा वो रुकेगी पर वो रुकी ही नहीं। सो तुम्हारे भाई ने सोचा चलो उनके पीछे ही जाया जाए और उनको लपेट दिया जाए। तुम्हारे भाई ने बुगी उठा ली और एक बंदा यहाँ पे सामने बैठा हुआ। So that is how they both are also died. Jai Binod Baba ki Jai. तो तुम्हारे भाई को ड्रॉप मिला, मुझे लगा गाड़ी में बिठा लेते इसको, लेकिन टिश क्रैश हो गई। सो एनी वेज सामने वाले घर में मुझे एक बंदा दिखा, तो तुम्हारे भाई ने सोचा बिना किसी देरी के चलते हैं उनको पेलते हैं लपेटते हैं। तो भाइयों मैं चाहता तो इसको यहाँ पर डायरेक्ट मार सकता था, लेकिन इसका मुझे एक नुकसान था क्या, क्योंकि एक बंदा उनका बम से नॉकआउट हुआ था, मतलब खुद के बम से। सो मेरा एक किल कम हो जाता, तो मैंने सोचा चलो उसको पहले जो बम से नॉकआउट है उसको थोड़ा पेल देते हैं, बाद में इसको पेल देंगे, एक किल तो मिलेगा ना भाई, किल के लिए कंजूस हैं हम। सो मैंने सोचा कि इस बंदे को तवे से मारेंगे, लेकिन ये जो आंख वाला बटन है ना तवे के बीच में आ गया। एनी भैंस मैं जा रहा था, इतने में भाई गोलियां चल गई मुझ पे, पता चल गया बंदे कहां पर है। वो जो सामने वाला शेख है उसके पीछे थे बंदे,
चलो उनको भी जल्दी जल्द पेल देते हैं, मैच खत्म करते हैं, टाइम नहीं फालतू हमारे पास। तो भाई तुम्हारे भाई ने ज़्यादा मुंडी नहीं दिखाई क्या? सो भाई एक बंदा और इनका लपेट गया, मतलब लास्ट बंदा बाकी पूरे गेम का। सो भाई चल तो पुश पास कर देते हैं, ख़त्म करते हैं गेम को भी। और वो बंदा बड़ा ही अजीब बंदा था, क्यों था मुझे नहीं पता, बस था अजीब, मैंने बोल दिया अजीब। तो गाइज़ आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, लव यू, विनोद, कमेंट करके ज़रूर जाइएगा विनोद।